बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फातिमा इमरान है, मैं जमात हश्तम की तालबा हूँ और मेरा ताल्लुक किड्स क्लब ग्रामर स्कूल से है। आज मैं आपको मुस्लिम शुअरा के बारे में बताऊंगी। यूं तो मुस्लिम शुअरा की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मीर तकी मीर के हालात जिंदगी, असलूब बयान और तसानीफ पर तारुफ करवाऊंगी। रिश्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिश्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर 1723 को आगरा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम अपने वालिद के मुरीद और मुंह भोले भाई सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। वालिद और सैयद अमानुल्लाह की वफात के बाद उन्होंने रोजगार की तलाश में दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ वो एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया। मीर आगरा लौट आए, उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन दिल्ली में अमन अमान की सूरत हाल खराब होने की वजह से उन्होंने लखनऊ का रुख किया और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है, उनकी पहचान गजल गोई है, वो बिलाशुबा गजल के बादशाह हैं। उन्हें हलूस, गर्दोगान, तरन्नम और सादगी की बदौलत उनकी गजलें दिल पर असर करती हैं। बाबा उर्दू डॉक्टर अब्दुल हक ने उनको सट्टाज शुराए उर्दू करार दिया है। उनकी तसानीफ में एक खुदनविश्त जिक्र मीर, एक तस्करा और नकात शुरा, एक फारसी दीवान और 6 उर्दू दीवान शामिल है। बकौले दाग दहलवी, मीर का रंग बरतना नहीं आसान, ए दाग अपने दीवान से मिला देखे दीवाने का। मीर तकी मीर अपने दीवान के मुतल्लिक यूं गोया हुए, जाने का नहीं शोर सुहन का मेरे हरगिज़, जाने का नहीं शोर सुहन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। मैं आखिर में मीर तकी मीर की अजमत को सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।